एक ही वार में शिव शक्ति और गायत्री तीनों को खत्म कर दूंगी मैं। आने वाली शिवरात्रि बनेगी इनकी मृत्यु रात्रि। यह सब सिलसिला गौरी के जाने के अगले महीने से शुरू हो गया। अब तो बहुत समय हो गया, कितने साल हो गए इस बात को। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पैसे उसे भेजे जा रहे हो जिसने गौरी दी को मारा। हो सकता है। माँ जी, ये हमें बहुत बड़ा सिरा मिला है। अगर हम मंदिरा को उसके गुनाहों की सजा दिलवाना चाहते हैं ना, तो फिर हमें सबूत के साथ साबित करना होगा कि गौरी दी की मौत के पीछे उनका हाथ है। उनका सच डॉक्टर शिव और पूरे परिवार के सामने रखना होगा कि मंदिरा कोई प्यार और त्याग की मूर्त नहीं है बल्कि एक खूनी है। जैसे उसके बेटे को उसके कर्मों की सजा मिल रही है ना, बिल्कुल वैसे ही मंदिरा को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। जैसे आज उसके बेटे का अंत हुआ है, वैसे ही मंदिरा का अंत भी होगा। लेकिन आज सबके पहले हमें वो 5 लाख कैश की तह तक पहुंचना होगा। जरूर पहुंचेंगे। हम किसी भी कीमत पे ये पता लगाएंगे कि वो पैसे किसे दे रही है, और जरूरत पड़े ना तो हम उसका पीछा भी करेंगे। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आप अकेले कुछ नहीं करेंगे। आज मंदिरा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। झूठ खाई नागिन की तरह तड़प रही होगी वो। हाँ, उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वो किसी और इंसान का कुछ भी छीनने की हिम्मत रखता है। अब बिल्कुल भी उनकी नजरों के सामने मत जाइएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो क्या कर बैठेंगे। अंधेरा को उसकी गुनाहों की सजा हम दिलवा कर रहेंगे, लेकिन अपने नुकसान की कीमत पर नहीं। एक ही वार में शिव शक्ति और गायत्री तीनों को खत्म कर दूंगी मैं। आने वाली शिवरात्रि बनेगी इनकी मृत्यु रात्रि। आज से इनकी उल्टी गिनती शुरू। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।